और चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मरीन ड्राइव इलाके में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लकी लालवानी नाम के इवेंट प्लानर की पत्नी ने सरेआम पिटाई कर दी। लकी लालवानी के पति का कहना है कि उसने पहले भी अपने पति के खिलाफ महिला सेल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पति को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उसने खाना खजाना प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे पुलिस ने शुरू होने से पहले ही खत्म करा दिया। बताया जा रहा है कि कॉम्पिटिशन बिना किसी की अनुमति के आयोजित की गई थी और दोनों के बीच तलाक का जो प्रोसेस है वो कोर्ट में चल रहा है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। आपके साथ शादी हुई थी उसकी? हाँ, उसने व्हाट्सएप पे अलग अलग फोटोज भेजी है, गलत काम किया, अलग अलग बोलता है 2000 में लड़कों को भेजता हूँ, धंधा करवाता हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, सच का। पति पत्नी का विवाद है, अलग से विवाद है, इसको गिरफ्तार किया था 151 में, कोर्ट से जमानत पर छूट गया। पुलिस वालों की आपके मन में कैसी छवि है? एक कड़क, दबंग और हमेशा रौब में रहने वाले शख्स की खाकी के नाम पर आपके सामने सिर्फ एक सख्त इमेज सामने आती है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस वालों का एक अलग अंदाज। देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल से एक खास रिपोर्ट। देखिए आईपीएस के ठुमके, स्टेज पर खाकी का दम, रीमिक्स पर थिरकी पुलिस, सिंघम बन गया सिंगर, दबंग का कॉमेडियन अवतार। एक दिन एक पार्टी में भोपाल में एक लेडी मिली और उन्होंने जो बातें की उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कोई वैसे तो औरतों की उम्र बताना कानून के खिलाफ है, लेकिन वो कोई 40-42 साल की होंगी, अपनी मर्जी के खिलाफ 40-42 साल की हुई थी वो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखा खाकी रंग का एक अलग रंग। स्टेज पर परफॉर्म करने वाले ये पुलिस अफसर हैं और मौका है सूबे की पहली आईपीएस मीट का। 3 दिन की इस मीट में आईपीएस अफसर और उनके परिवार जुटे हैं। अक्सर कानूनी धाराओं और कानून तोड़ने वालों के पीछे दौड़ने वाले इन अफसरों की जिंदगी तनाव से दूर रहे, इसके लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या सीनियर क्या जूनियर, सब पुलिस वालों ने इस रंगारंग शाम में पूरे जोश से शिरकत की और अपनी कला के जौहर दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो देखा आपने पुलिस वालों का एक अलग ही अंदाज। आगे खबरों को सिलसिला बढ़ाने के लिए श्वेता आ चुकी है। श्वेता, हमेशा पुलिस की जो इमेज बनती है सबके सामने वो कड़क बनती है, सख्त बनती है, और कई बार ऐसी खबरें भी दिखाते हैं जहां पर हम थोड़ी नेगेटिव भी रहती है जिस तरीके से पुलिस वाले करते हैं, लेकिन ये इमेज भी जाना जनता के बहुत, ये दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लोगों का हिडन टैलेंट होता है, वही हमें कई बार देखने को मिल जाता है कि अपनी एक तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में इंसान किस तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाता है, लेकिन जब वो पर्सनल लाइफ में आता है, जब उसके व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, तो वो किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि एक इमेज जो कि प्रोफेशनली रिलेटेड इमेज होती है, चाहे हम पुलिस वालों की चूँकि बात करें, आईपीएस का ये सर्विस कॉन्फ्रेंस और एक तरीके से प्रोग्राम था,
तो ये चीजें देखने को मिलती हैं कि दोनों चीजें कैसे डिफरेंट होती हैं, क्योंकि एक इमेज पोर्ट्रे हो जाती है, उससे अलग हटके हमें ये देखने को मिला, इसलिए कहीं ना कहीं खास भी नजर आया। अब हम बात करेंगे आज के एजेंडे में सिक्किम, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जरूर कोशिश है केंद्र सरकार की देश के किसानों को के अपने हित में करने की और ये बताने की कि सरकार कितनी गंभीर है किसानों को मुद्दों को लेकर। भले ही सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट आज घोषित किया जाएगा, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बहुत अहम सवाल है देश का किसान, वो इसको लेकर क्या सोचता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही